भनुपल्ली देरी बरमाला रेलवे लाइन का दूसरा चरण आरंभ हो गया है। अब 50 गांव के प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा। अब तक इसके तहत 3 गांव के प्रभावितों को 11 करोड़ रुपए के चेक बांटे गए हैं। पहले चरण में चयनित 10 गांव के प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित करने के बाद अब बहल से लेकर बरमाला तक चयनित किए गए 50 गांव के प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने की कवायद शुरू कर दी गई है। भानुपल्ली बारी बरमाला रेलवे लाइन के दूसरे चरण के सर्वे के तहत प्रभावितों को मुआवजा राशि के चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भू अर्जन अधिकारी रेलवे एवं तहसीलदार बिलासपुर जय गोपाल शर्मा ने खेरिया लखाला और बहल के प्रभावितों को 11 करोड़ के मुआवजा राशि के चेक बांटे। दूसरे चरण के सर्वे में बहल से लेकर बैरी बरमाला तक करीब 50 गांव के प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना है, जिसमें 3 गांव के प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है। ये रेलवे लाइन पंजाब के साथ लगती सीमा पर स्थित जिंडोरी से बनेगी और वहां पहली टनल बनाई जाएगी। एक जंक्शन जगात खाना में, दूसरा बिलासपुर में अलीगढ़ के पास छोटा जंक्शन बनाया जाना प्रस्तावित है। एक जंक्शन बैरी और बरमाला में भी बनाया जाना है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश न्यायिक प्राधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय न सरकार और न ही कर्मचारी हित में है। ऐसे में सरकार से मांग की जाती है कि इसे बहाल रखा जाए। ये बात ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट धर्मशाला के प्रधान टेक चंद राणा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 में ट्रिब्यूनल शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2008 तक चला रहा, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। उसके उपरांत वर्ष 2016 में इसे शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल को बंद कर इसमें लंबित मामलों को हाईकोर्ट में भेजने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारी वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में अलग से वकील करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग को न्याय देने में ट्रिब्यूनल सक्षम है और इसके माध्यम से सस्ता न्याय कर्मचारी वर्ग को मिलता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि ट्रिब्यूनल बंद हो। ऐसे में ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने भी एक समिति गठित की है, जो कि 13 जुलाई को सीएम से मिलकर ट्रिब्यूनल को बहाल रखने को लेकर अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। इस अवसर पर अधिवक्ता वरुण शर्मा, अंकित शर्मा, संजय बरसैल, विनोद कुमार उपस्थित रहे। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट धर्मशाला के प्रधान टेक चंद राणा ने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया है। कर्मचारियों के मामलों का ट्रिब्यूनल बेहतर ढंग से निपटारा कर रहा था, जबकि हाईकोर्ट में ऐसे मामलों में समय लगता है। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने उप निर्णय को निरस्त करने बारे सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है तथा धर्मशाला इकाई भी इसका समर्थन करती है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल रखा जाना चाहिए, इसमें ही प्रदेश और कर्मचारी वर्ग की भलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार से इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया जाएगा, लेकिन सरकार नहीं माने तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुंदरनगर उपमंडल के तहत डहर क्षेत्र में एक नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। दुराचार का आरोपी एक ट्रक ड्राइवर है। पीड़ित नाबालिग के परिजनों के मुताबिक
आरोपी 6 माह पहले इनकी लाडली बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और इन 6 माह में आरोपी ने दुराचार के साथ साथ नाबालिग के साथ कई अत्याचार किए और जब पीड़ित परिवार को बेटी का सुराग मिला तो वे उसे अपने घर ले आए, जिससे खफा होकर आरोपी चालक ने पीड़ित परिवार के साथ घर में आकर दराड़ से हमला किया और मारपीट भी की। आरोपी ने नाबालिग के पिता व उसकी छोटी बहन को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल हुए पीड़ित नाबालिग के पिता अभी भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन है। हालांकि डहर थाना में पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई है, मगर अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु से मिला और आरोपी को गिरफ्तार करने व उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत प्रभु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।